लोगों से भी निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि जनता के सवालों को ओझल नहीं होने दिया जाए। देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि नीतीश कुमार जी अब कुछ भी करें जनता की नज़र से नहीं बच पाएंगे। सवाल तो ड्राइविंग सीट पर मुख्यमंत्री जी हैं तो उन्हीं से कोई पूछेगा और उस हिसाब से जवाबदेह नीतीश जी भी हैं, लेकिन 15 साल के राज में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनके साथ रहे हैं लगभग कुछ दिनों को छोड़कर। इसलिए जो वर्तमान स्थिति है बिहार में, जिसको केंद्र में रखकर लोग पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं, जो जल जमाव या अभी जो समस्या आई, इसके पीछे पूरा एनडीए गठबंधन दोषी है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं तो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा दोष उनके ऊपर है ही, लेकिन मुझको तो लगता है कि कहीं ना कहीं आपस में यह जो तकरार है, मुझको लगता है व्यक्तिगत रूप से कहीं सोच समझकर इन लोगों ने साजिश न तो रची हो, क्योंकि फिर आज मीडिया इस पैनल डिस्कशन में लगा हुआ है कि बीजेपी ने क्या कह दिया, कौन किसके पैर का धूल है और कौन किसका तलवा चाट रहा है। यह जो आरोप प्रत्यारोप है, इस पर बहस हो रही है मीडिया में, और जनता जो डेंगू से परेशान है, बीमारी से परेशान है, इस पर कम बात आ रही है जनता के बीच में। तो बात जनता का जो सवाल है, जनता के सामने जो मौलिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को फिर से ओझल कर दो। आपस में बीजेपी जेडीयू के लोग इस तरह से तकरार करो ताकि जनता जो उनकी खुद की समस्या है उस पर से ध्यान उनका हट जाए। यह कोशिश इन लोगों की ओर से हो सकती है, ऐसी मुझको आशंका है, और इसीलिए ऐसी बात लोग कर रहे हैं।